कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे जो है मैं घर की थोड़ी बहुत सफाई कर रही थी। अच्छा, तो सफाई करने के बाद मेरा नहाने का दिल कर रहा था क्योंकि मैंने बालों में हेयर ऑयल लगाया हुआ था, लेकिन मुझे लंच भी बनाना था तो मैंने सोचा चलो लंच पहले बना लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद तो ज़रा भी किचन में जाने का दिल ही नहीं करता है। और सफाई करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई और आज बच्चों की फरमाइश थी कि मुझे लंच में बिरयानी खाना है मामा, तो मैंने भी सोचा चलो बिरयानी ही बना लेते हैं, जिससे आज मैं रोटी बनाने से बच जाऊंगी क्योंकि रोटी बनाना बहुत बोरिंग लगता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर ली है और आज सब मटन बिरयानी खाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे चिकन बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप लोगों को कौन सी बिरयानी ज़्यादा पसंद है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे हमें भी पता चले कि हमारे व्यूवर्स को मटन बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है या चिकन बिरयानी। और यहाँ पे मैंने मटन लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और दही, शान मसाला, नमक मिर्चा और गरम मसाला ऐड किया और मैंने इसे मिला के साइड में रख दिया था। फिर मैंने इसके बाद चावल भिगाया और चावल को मुझे आधे घंटे भिगा के रखना था, क्योंकि चावल भीगा रहता है तो फिर बिरयानी अच्छी आती है। इसके बाद यहाँ पे मैं बिरयानी का मसाला पकाने लगी थी और उसके लिए मैंने एक पोटी प्याज लिया था। ज़्यादा प्याज लो तो फिर बिरयानी का मसाला ज़्यादा हो जाता है और बिरयानी अच्छी नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे प्याज को लाइट ब्राउन करके उसमें मैरिनेट किया हुआ जो मटन रखा था उसको मैंने डाला और साथ में 5 से 6 टमाटर को मैंने पीस के डाला, क्योंकि बिरयानी का मसाला थोड़ा खट्टा होता है तो फिर बिरयानी अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने इसको जो है सीटी लगने के लिए रख दिया था। अच्छा, तो साथ में मैं यहाँ पे ट्राइफल कस्टर्ड बनाने लगी थी और आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा था तो मैंने कस्टर्ड भी मैंगो फ्लेवर में ही बनाया था और मैंने 2 मैंगो फ्लेवर में जेली तैयार कर लिया था। फिर मैंने इसमें पुडिंग ब्रेड डाली, जेली डाला, साथ में कस्टर्ड ऐड किया, कटा हुआ मैंगो और ग्रेप्स ऐड किया। मैंगो और ग्रेप्स डालने के बाद मैंने इसे मिला लिया था और मिलाने के बाद मैंने ऊपर से इसे पिस्ते से डेकोरेट कर दिया था। ये वैसे भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत मज़े का था और मेरे बच्चों ने तो खूब पसंद किया क्योंकि मैंगो फ्लेवर था, तो उन लोगों को मैंगो बहुत पसंद है और वो लोग मज़े से खा रहे थे इसे। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा बिरयानी का मसाला तैयार हो गया था और मैंने फिर उसमें पुदीने का पत्ता और हरा मिर्चा ऐड किया, साथ में मैंने आलू और एक पोटी प्याज को फ्राई कर लिया था क्योंकि बिरयानी में फ्राई आलू जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने चावल भी पका लिए थे और चावल को मैंने 70-80% जो है गला लिया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा देर तक दम पे ना रखना पड़े। और फिर मैंने इसके बाद जो है यहाँ पे बिरयानी का परत लगाने लगी थी। परत लगाने के बाद फिर मैंने इसमें बिरयानी एसेंस और कलर डाला, साथ में मैंने ऑलिव ऑयल ऊपर से डाला। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने इसे 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और मैं किचन में ही थी कि मेरे बच्चों की आवाज़ आने लगी, मम्मा मम्मा। व्हाट हैपेंड सैन, व्हाई आर यू कॉलिंग? इन्हें भूख लग गई थी और मेरे बड़े बेटे भी कह रहे थे मम्मा मुझे भी भूख लगी है। तो फिर यहाँ पे मेरी बिरयानी दम हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे खाना निकाल दिया और देखे माशाल्लाह से मेरी बिरयानी बहुत अच्छी आई है और बिरयानी के चावल भी बिल्कुल खिले खिले से थे और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने साथ में इसके रायता और सैलेड भी बना लिया था। खाना खाने के बाद सबका प्रोग्राम बन रहा था कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाएं। अभी लास्ट में सबने नेशनल एक्वेरियम जाने का डिसाइड किया और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए नेशनल एक्वेरियम और यहाँ कितना मज़ा आ रहा था और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे पूरे में। और जब मैं यहाँ पे टनल से गुजर रही थी तो इतना मज़ा आया, चारों तरफ पानी था और उसमें फिशेज आ रही थी जा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और मेरे बच्चे तो खुश हो रहे थे कि मम्मा ऐसा लग रहा है मैं समंदर के अंदर से गुजर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर मैं बच्चों की फोटो क्लिक करने लगी थी कि यहाँ पे खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हारी फोटो क्लिक कर लूँ, लेकिन लोग निकल रहे थे बीच में से तो मैं सही से फोटो भी नहीं क्लिक कर पा रही थी। और फिर यहाँ पे रश भी बहुत था, बहुत ज्यादा लोग थे यहाँ पे। और फिर टनल से निकल के हम लोग आ गए थे दूसरे पोर्शन में और यहाँ पे अलग अलग से सब चैम्बर बने हुआ था और सारे चैम्बर में अलग तरीके के फिशेस थी।
और यहाँ पे एक पॉन्ड बना था, उसमें वाटरफॉल भी छोटा सा बना हुआ था, और इतने सारे यहाँ पे बर्ड्स उड़ रहे थे, उसके अंदर इतनी सारी फिशेस थी अलग अलग तरीके की। और इस साइड यहाँ पे फिर शार्क का चैम्बर था, और ये देखे शार्क, और ये ऐसे भाग रही थी फिशेस को पकड़ पकड़ के खा रही थी, और सारी फिशेस बेचारी डर के मारे इधर से उधर भाग रही थी। बच के रहिएगा, आ जाओ। चार 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 उधर से सही होते हैं। But there is hope. Nature is resilient, and if we leave it untouched, it will recover. Wow, उधर से लेके अच्छा ये आ गए। Home के However, these mega diverse ecosystems are home to have. Fry करने वाली है। Fry करने वाली है। और यहाँ पे भाई मजाक कर रहे थे मेरे मियाँ से कि फिश फ्राई करके खाने वाली है, और फिर इस बात पे दोनों को हंस भी रहे थे। जानते ही देखिए पीछे फैन कितना चल रहा है, उसी से ये मूव कर रहा है। देखिए गौर से देखिए, ये पेट के पीछे देखिए इनका फैन जैसा चल रहा है। कहाँ है? देखिए गौर से देखिए। और यहाँ पे मैं भाई को दिखा रही थी कि भाई देखे सी हॉर्स के बैक पे ना फैन जैसा कुछ चल रहा है, और भाई कह रहे थे कहाँ पे चल रहा है कहाँ पे चल रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल फिशेस थी, तो जैन उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे, उनको बड़ा मजा आ रहा था यहाँ पे। Yes, don't ये भी रियल है, ये जो बैठे हुए यहाँ पे लाइन से टर्टवाइज बैठे हुए थे, और वो जरा मूव भी नहीं कर रहे थे, बस अपनी नेक ऊपर उठा के सुकून से बैठे हुए थे, और ऐसा लग रहा था किसी ने फाइबर का टर्टवाइज ला के यहाँ पे रख दिया हो। और अब आप लोग इनसे मिले, ये तो कहीं से फिश लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था किसी चीज का कैप है जो चल रहा है। फिश है, दोनों फिश अंदर वाली भी है, बायोटिक फिश हो मतलब तो अलग ही मोमेंट नहीं रहेगा, बस वो चिपकी रहती है। हाँ ये कितना कलरफुल है। Across the world, it is estimated that there are 3 billion shipwrecks, some as old as 2,000 years old. Shipwrecks have such a life, offering a home to millions of souls and other living life. Many of them. तब तो ये भी इसमें बाहर निकल ले जाओ, कभी अंदर जा रहे हैं दादा के साथ।
इसमें एक मछली अकेले है, मुझे बड़ा खराब लगा। तकलीफ से मछली है वो, बोल के शॉक। आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।